हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के लिए बहुत ज़्यादा धूप और दिन के बज रहे हैं एक तो गुड आफ्टरनून। और यह मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये देखिए, ये मिर्ची है मेरी, पूरी निकाल ली है किचन गार्डन से, बस ये सूखने को रह गई है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा गीली है, इनको टाइम लगेगा सूखने के लिए। और ये है अरवी, इनको मैंने थोड़ा सा बीज के लिए रखा है। और इसमें है तेज पत्ता, इनको मैंने डब्बे में डाल दिया सूख के। इसमें है मूंगी, मूंगी की दाल थोड़ी सी है, ये मैं बीज के लिए रखा है इसको। इसमें है सब्जा के बीज, इनको भी मैंने बीज के लिए रखा है। और इसमें है चौलाई थोड़ी सी, बस इनको भी मैंने रखा है, बस मैंने जस्ट अभी निकाला है इनको। और इन सबको मैं देखिए मैंने कितना गंद डाल के रखा हुआ है, ये कुछ गंद निकला है इनसे, इनको रखा है मैंने। उसके बाद कुछ और ये हैं मूंगी के छिलके, इनको ले जाएंगे गाय के लिए, है तो ही बिल्कुल थोड़े से, पर क्यों फेंकना जब गाय खा लेती है तो। और बाकी ये रही मिर्ची मेरी, है तो अभी सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पे रखा है कुछ सामान, ये हम काल गेहूँ उसके खेत से लेके, गेहूँ बीजने गए थे सॉरी, तो वहाँ पर खेत में लेके गए थे, तो अभी तक ये मेरे यहीं पड़े हैं, थोड़े से रह गए इसमें गेहूँ, बस इनको उठा दूंगी और साफ करके रख दूंगी अंदर। उसके बाद मेरे को रह गए हैं अभी कपड़े धोने को, और बहुत ज़्यादा काम है, अभी मेरे को पोछा भी लगाना है। ओनली मैंने अभी ना झाड़ू लगाया है, उसके बाद ही करूँगी सब कुछ। फिलहाल तो चलते हैं नीचे, नीचे मेरे को करना है मशीन में पानी डालना है और उसमें कपड़े धुलाई के लिए डालने हैं। ये बाल्टी रखी हुई है मैंने बाहर, इसमें मैं गर्म पानी लेके जाऊंगी किचन में। मेरे को अभी थोड़े से बर्तन साफ करने को रह गए और मेरा अभी बाथरूम भी साफ करने को पड़ा हुआ है। ये देखिए मैंने कितना ढेर लगा के रखा है कपड़ों का, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मेरे को फिर से दोबारा, तो मेरे को काम पड़ा था, गेहूँ भी जाएगा तो मैं ज़्यादा नहीं धो नहीं पाई थी, क्योंकि सुबह शाम और दिन को हम चले जाते थे, सुबह शाम को ठंड होती है और दिन को हम चले जाते थे गेहूँ बीजने के लिए, जिसकी वजह से मेरे कपड़े धुलाई करने को रह गए थे। शाम को भी ठंडी होती थी तो मेरे को नहीं जी करता था कि मैं कपड़े धुलाई करूँ, डालने तो मेरे को मशीन में ही होते हैं लेकिन फिर भी ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो नहीं लगता है, मन नहीं करता है काम करने को, बस खाना खा लो और किचन की साफ सफाई कर लो और बिस्तर में पसर जाओ जल्दी से, फिर देखते हैं। पहले मशीन में डाल लेती हूँ उसके बाद बात करती हूँ आपसे। ये डाल दिए मैंने मशीन में कपड़े, अब ये हो रहे हैं कपड़े धुलाई मशीन में, और ये जो मशीन के ऊपर रखे थे कपड़े ये मैंने डाल दिए हैं बाहर निकाल के, अभी इनको धुलाई करना है, कुछ एक डाले हैं। और यहाँ अगर मैं यहाँ रखूँ मेरे तो ये गीले हो जाते हैं कई बार, बीच बीच में मेरे को ये कि और काम पड़ जाए तो मैं वो कर लेती हूँ, तो कई बार मेरे से रह भी जाते हैं ये कपड़े, तो मैं इनको उठा के फिर मशीन के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि धुलाई करने को रह जाते हैं, बाद में धो लेती हूँ, तो इसलिए मैं इनको गीला नहीं करती, साइड में रख देती हूँ और बाद में, या फिर मैं सभी करती हूँ, यदि मैं इकट्ठा करके रखती हूँ तो क्या करती हूँ, मैं गीले सॉरी नले कपड़े ना इसमें रख देती हूँ, मध्य वाले कपड़े मशीन में डाल के, और जब मेरे को टाइम लगता है तो निकाल के रख के साइड में, फिर दोबारा धो लेती हूँ, बस यही करती हूँ। अभी धुल रहा है तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है कितने दिनों के कपड़े ढेर लगा के रखे हुए हैं, ये 3-4 दिनों के कपड़े हैं, क्योंकि दो पहले भी मैंने कपड़े धोए थे लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, हर बार तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं कपड़े धुलाई का काम, और वैसे भी फिर मेरे को जल्दी जल्दी जाना होता है काम करके, दुकान भी जाना होता है वहाँ पर भी मेरे को काम रहता है, तो इसीलिए शेयर नहीं कर पाती हूँ। आज फिर मेरे को ज़्यादा कपड़े हैं और मैं घर में रही हूँ, तो आप हिसाब से सोचा शेयर कर लूँ, मैं भी वीडियो मेरी वीडियो भी बन जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा, तो और ब्लॉग भी डाल दूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, तो इसके लिए मेरे को माफ़ करना, इतने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं मेरे आ रहे हैं लेकिन जितने भी आ रहे हैं अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं भी ग्रो कर जाऊंगी। और रही बात कपड़ों की, तो आजकल सर्दियों का मौसम है और एक एक आदमी ना 4-5-5 कपड़े तो कभी डालते होंगे सिर्फ से लेकर पैर तक, क्योंकि सिर में कैप होती है, पाँव में सॉक्स होती है और शरीर में जैकेट इनर कपड़े वाले हो गए सब, तो इससे ना फिर ऐसा लगता है जैसे 3-4 आदमी के कपड़े भी होता है, ऐसा लगता है तुम्हारे मन कितना ढेर लग गया है, पर नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही है, स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह है, और कुछ एक मैंने ना बेडशीट निकाल के रखी हुई है क्योंकि मैली हो गई थी, तो वो भी है साथ में, पीछे ना मेरी मशीन बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो चलिए घर से बात करते हैं। फिर ठहरा तो सर्दियों का मौसम, और सर्दियों में तो धूप ना हो तो अच्छी तो कपड़े भी नहीं सूखते, एक दिन के बाद फिर मौसम खराब दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा सॉरी, बोला है कि नेट पे कि मौसम खराब होगा,
तो सोचा आज कपड़े कुएं कर लेती हूँ धोके, कपड़े भी सूख जाएंगे अच्छे से, नहीं तो फिर इनके तो इतने दिन तक सूखते नहीं है। अंदर डाल के रखो, ढील लगा के रखो। एक तरफ मेरे यहाँ पर ना अंदर भी कपड़े डालने के लिए अच्छे जगह नहीं है, तो फिर सोचती हूँ चलो अभी मेरी मशीन बंद हो गई है तो मैं सोचती हूँ मैं पहले ना अच्छे से कपड़े सुखा लूँ, उसके बाद बाकी काम कर लेती हूँ, नहीं तो दोबारा मौसम खराब हो जाएगा तो कभी कभी हमारे यहाँ पर ना बर्फ भी पड़ जाती है, हर बार तो नहीं पड़ती लेकिन कभी। ये हमारी घोड़ी ये चल रही थी तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना लूँ। कुछ दिन पहले बताया था कि मेरे पास घोड़ी भी है, तो बस यही इसका वीडियो में ये पे ले रही थी। और हम पहुँच गए थे नीचे सड़क में, यहाँ पर हम वेट कर रहे थे गाड़ी का। और हमारे यहाँ पे ना और मैं और बैठे हुए थे, और हमारे यहाँ पे ना ये जो है पटवार, हमारे पटवार सर्कल का बिल्डिंग बन रही थी। देखिए सामने बस थोड़ा सा कैप्चर किया है मैंने, उसी को दिखा रही थी। यहाँ पर ना जब तक मैं वीडियो खोलती गाड़ी मोड़ से उधर परे हो गई थी, और यहाँ पर युग और युग के पापा बैठे हुए थे, नीचे से दौड़ कर आए और यहाँ पे थके बैठ के ये घर के सामने बैठे हैं। मैंने बोला था देखिए सामने कपड़े धो के डाले हैं, कल भी बताया था मैंने आपको। और ये देखिए यहाँ पर सामने धूप खिलती है, शाम के बज रहे हैं 4 और हमारा हुआ है टी टाइम। ये बन रही है मेरी चाय, युग नीचे से आके खाना खा रहा है, हमने ट्रैक्टर पहुंचाया था, और अभी बन रही है चाय मेरी। ये हैं उस वक्त की वीडियो जब मैं अपनी दीदी के घर फंक्शन पर गई हुई थी, वहाँ पर ये इसने देखिए बिंदी का पैकेट, इसको पता नहीं कहाँ से मिल गया था, और इसने पूरा का पूरा बिंदी का पैकेट अपने मुंह में चिपका लिया था। ये इसको बोला तूने क्या किया, तो बोला कि मैं ना बिंदी से मेकअप कर रही हूँ। और देखो ये छोटे वाली आके ना इसको हंस रही है कि ये क्या कर लिया इसने अपने मुँह में, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये देखिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए मेरे को यहाँ की ओरिजिनल वॉइस हटानी पड़ी। और ये देखिए खुश हो रही थी कि मैंने ये, और अब ये शाम का टाइम तो साथ।